हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिवील करने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ, कहाँ चलती हूँ मैं और आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कार में बैठ गए हैं और घर से बाहर भी निकल गए हैं और हमारे साथ जा रही है संजना एंड फैमिली भी। तो संजना और निया हम लोग के साथ पीछे बैठे हैं, हम लोग यानी कि मैं, आराम, अद्विक, संजना और निया पीछे की सीट पे बैठे हैं और आगे की सीट पे पंकज बैठे हैं, उसके हस्बैंड, और राकेश ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग मज़े से जा रहे हैं। तो देखिए रास्ते का व्यू भी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी हैदराबाद का। तो देखिए कैसा है हमारा हैदराबाद, और चलिए हमारे साथ आज किसी और जगह। फ्रेंड्स, हम लोग आए थे यहाँ पे NTR की समाधि पे पहले, उसके बाद हम लोग गए थे NTR गार्डन। तो यहाँ पे समाधि पे पहले चलते हैं और उसके बाद जाएंगे NTR गार्डन। तो हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे NTR की समाधि पे। NTR की समाधि यहाँ का टूरिस्ट प्लेस ही है। NTR जो कि तेलुगु फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रह चुके हैं और यहाँ के CM यानी कि जब AP यूनाइटेड था तब यहाँ के CM थे, ये उन्हीं की समाधि है। तो लोग NTR गार्डन जाने से पहले NTR की समाधि पे ज़रूर आते हैं। तो हम लोग भी पहले यहाँ पे समाधि पे ही आए थे और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है समाधि का, बहुत ही यूनिक सा है और चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है। तो इस तरह का व्यू मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो आपको भी पहले NTR की समाधि का व्यू दिखाते हैं। तो ये इस तरह से था। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही होगी क्योंकि बाहर रोड पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं NTR गार्डन, इसके पहले हम लोग गए थे NTR समाधि पे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग NTR गार्डन के अंदर जाते हैं तो इस तरह का व्यू दिखता है वहाँ पे सबसे पहले। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है
ये दिख रहा है, ये एक फाउंटेन है और अभी इसमें पानी तो नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें इस तरह का व्यू मिलता है। तो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको कुछ नया देखने को मिल रहा था तो बहुत ही एक्साइटेड थे। और ये इस तरह का व्यू मिलता है। इसके बाद अंदर जाने पे टॉय ट्रेन राइड कर सकते हैं, यानी एक टॉय ट्रेन है जो कि पूरे गार्डन का चक्कर लगाती है। इसे देखकर तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैं बता नहीं सकती, मतलब लग रहा था उनको कि क्या देख लिया है। और वो पानी में पैर डालने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उस वाटर को टच कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ ये साइड में ये व्यू भी दिख रहा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आरम, उसमें जंप करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने उसको पकड़ा और उसको निकाला, उसको पानी देखते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, कहीं पे भी पानी मिलना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैं नीचे आके दिखा रही हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तीनों कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको देख के। उनको बहुत ही अलग दिख रहा था, फर्स्ट टाइम उनको इस तरह का चीज़ मिल रहा था देखने। उसके बाद हम लोग टॉय ट्रेन पे बैठ गए थे और ये है टॉय ट्रेन, तो इसी पे बैठ गए थे और पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाया था। बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आया, बच्चों को इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गए थे और बहुत ही मज़ा आया था, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया था। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का। तो जैसे ही ट्रेन चली मैं आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश की हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। Thank you.
यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन भी लगे हुए थे, तो मैं उसी को दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्पेशली थोड़ा सा रात होने पे ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट में, लेकिन अभी शाम का टाइम था इसलिए हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रात होती ही काफ़ी अच्छा लगता है। शाम हो गई थी और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। हमारा तो हुसैन सागर लेक जाने का भी प्लान था और लुम्बिनी पार्क जाने का भी प्लान था, लेकिन बच्चे कार में जाते ही सो गए थे, तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।